मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज की वीडियो में बात करेंगे AGV के बारे में। AGV होता है ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। हम इसका इस्तेमाल किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर सकते हैं, जिससे कि इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं जो भी हमारी कोई भी ऑपरेशन हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, पैकिंग मटेरियल को, अगर हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुका है उसको बाहर निकालने के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम अपना ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के बारे में देखेंगे कि ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल क्या होता है और इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास 4-5 तरह के ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होते हैं, लाइट लोड से लेके हैवी लोड तक सभी तरह के ऑटोमेटिक गाइडेड AGV होते हैं। तो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि AGV क्या है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। मटेरियल को हैंडल करता है ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। विच मूव्स अलोंग अ प्री डिफाइंड एंड अ प्री प्रोग्राम पाथ। ये अपने पाथ पे ही चलता है। इसका जो इस कंप्यूटर में फीड होता है कि इस पाथ पे इसको चलना है, प्री डिफाइंड होता है और वो प्री प्रोग्राम होता है। फ्रॉम वर्क स्टेशन 1 टू वर्क स्टेशन 2, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में इसका ये मूव कर सकता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दी मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन, मटेरियल को हैंडल करने के लिए, फिर मटेरियल पहुंचाने के लिए या फिर मटेरियल लेके आने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 AGV है, एक यहाँ पे 1, 2, 3, ये यहाँ पे बीच में वर्क स्टेशन बनाए गए, एक वर्क स्टेशन, 2, ये 3 वर्क स्टेशन है। तो एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में अपना जो सामान है वो पहुँचा सकते हैं। आगे, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश वेरियस मिशन थ्रू AGV देर इज़ अ पाथ डिजाइंड एंड कंट्रोल्ड बाई कंप्यूटर। जिसका पाथ होता है वो कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर की वजह से। जो कंप्यूटर में हम फीड देंगे किसी इस पाथ पे उसको चलना है, उसी पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। ये मोस्टली सेल्फ ऑपरेटेड होते हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड इसमें मैकेनिज्म है वो लगा होता है। इसमें ये बैटरी की मदद से चलते हैं। इसके अंदर ड्राइव मोटर होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको आगे मूव करने, आगे पीछे मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। तो ये AGV की डेफिनेशन थी। आप ये अपनी AGV की लिख सकते हैं कि AGV क्या होता है। आगे देखिए, समटाइम AGV हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए विद लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जैसे कि फोर्क लिफ्टर, आपने इंडस्ट्री में देखोगे फोर्क लिफ्टर ऐसे नीचे से फोर्क फंसाते हैं और वो ऊपर उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे वो रख देते हैं सामान को। डायग्राम में देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें नहीं है फोर्क लिफ्टर, फोर्कलिफ्टर इसमें नहीं है। फोर्कलिफ्टर क्या, 2 कंडे से होते हैं, वो एक सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। वो आपको दिखा दूंगा बाद में। टाइप ऑफ AGV के बारे में देख लेते हैं। AGV का जो हमने पाथ की भी बात की, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये पाथ बना हुआ है। जैसे इसका रेड कलर का ये पाथ है, ठीक है, इसका ये वाइट पट्टी है, एक ये पट्टी है जो कि AGV इसके ऊपर ये मूव कर रही है। सभी AGV ये मूव कर रही है, इनका ये पाथ जो प्री डिफाइंड और प्री प्रोग्राम होता है। अब टाइप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ AGV में पहला आता है टो AGV। टो AGV में क्या होता है, एक ट्रैक्टर ट्रैली आपने देखी होगी सभी ने, वो ऐसी ये होती है। द डिज़ाइन फॉर दिस AGV हैज बीन टेकन फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ ट्रैक्टर ट्रेलर। जो ट्रैक्टर ट्रेलर का डिज़ाइन होता है उसी से इसका डिज़ाइन है वो लिया गया है। डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन, हम इसका इस्तेमाल करते हैं वेयर अ ट्रेन ऑफ ट्रेलर इज पुल्ड, वेयर द ट्रेलर इज यूजली लोडेड मैनुअली, मेकिंग दिस सेमी ऑटोमेटिक AGV। इसको सेमी ऑटोमेटिक AGV बोला जाता है क्योंकि जो इसमें आगे ट्रेलर होता है वो मूव करता है, उसका जो पीछे ट्रॉली होती है उसके अंदर जो सामान है वो पूरा रख दिया जाता है। जैसे डायग्राम में देखिए, ये देखिए, तो ये वाली डायग्राम है, ये आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा हो, ये वाली नहीं है, ये इस साइड वाली, राइट साइड वाली, ये वाली डायग्राम है। आगे इसमें ये ट्रैक्टर है, ठीक है, एक ट्रैक्टर की तरह पीछे ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर ये आप इसका ऊपर ये सामान है वो रखा हुआ है। ये हमारी टो AGV। उसके बाद नेक्स्ट वाली है हमारी यूनिट लोड AGV। यूनिट लोड AGV में क्या होता है कि इस ये जो वजन उठा सकता है वो थोड़ा हैवी वजन उठा सकता है, 18 से 20 किलो की इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसमें एक डेक लगा होता है जो कि डेक को लोड किया जाता है मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली हम इसको लोड कर सकते हैं। और इसकी डायग्राम देख लीजिए यूनिट लोड AGV की, यहाँ पे देखिए ये यूनिट कहाँ पे गई, ये देखिए, ये नीचे वाली ये यूनिट लोड AGV, इसमें जो सामान है वो 18 से 20 किलो तक का हम सामान है वो इसमें लोड कर सकते हैं। ये इसका एक डेक, ये डेक है जिसके ऊपर हम इसका सामान लोड करते हैं और ये अपने प्री डिफाइंड पाथ पे चलती रहती है। जैसे ऐसे ये रोटेट करके वापस जाएगी, यहाँ से जो सामान है कन्वेयर बेल्ट की वजह से इसके ऊपर आ गया और ये आगे अपना जो सामान है वो पहुँचा देगी। उसके बाद है यूनिट लोड हो गया, लाइट लोड AGV। लाइट लोड AGV हम इम्प्लॉय करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कैरिंग स्मॉलर लोड,
इसमें हम छोटे छोटे जो लेस लोड होता है उसके उसको कैरी करने के लिए हम लाइट लोड एजीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 0.5 केजी का, जो कि हाफ केजी का जो भी स्मॉल है, जैसे कि स्मॉल मैकेनिकल कंपोनेंट हो गए, टूल हो गए, स्मॉल मैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गए कोई भी, उसके लिए हम लाइट लोड एजीवी का इस्तेमाल करते हैं। लाइट लोड एजीवी देखिए ये वाली, ये लाइट लोड एजीवी बिल्कुल छोटा छोटा सामान उठाने के लिए, छोटी सी एजीवी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, लेफ्ट वाली जो डायग्राम है, इसमें छोटा छोटा सामान उठाने के लिए हम लाइट लोड एजीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट वाली हमारी आती है असेंबली एजीवी। असेंबली एजीवी हम असेंबल करते हैं किसी भी असेंबली को। असेंबली मतलब क्या होता है, बहुत भारी पार्ट, किसी भी यानी कि अगर कार की असेंबली है तो उसकी पूरी जो असेंबली बन जाती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम असेंबली एजीवी का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले मारुति ने फर्स्ट एजीवी का जो असेंबली एजीवी इसका इस्तेमाल किया था। इसकी डायग्राम देख लीजिए असेंबली एजीवी की, ये वाली है जो ये ऊपर वाली राइट में देखिए, ये वाली, इसमें देखिए पूरी की पूरी असेंबली इस एजीवी ने उठा रखी है। ये ऊपर पूरी असेंबली है, ये नीचे छोटी सी एजीवी है, पूरी की पूरी इसने क्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ये शिफ्ट की जा रही है। ये असेंबली, ये पूरी की पूरी असेंबली है जो क्रेन की, वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई जा रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एजीवीज क्या होते हैं, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होते हैं, और उनके टाइप्स देखिए कौन कौन से, कितने कितने तरह की जो एजीवीज है हमारे पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।